जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का सातवां दिन है और नवरात्रि के सातवें दिन महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि को देखकर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। खुले बालों वाली माता गधे पर सवार हैं। इनके श्वास से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी माता एक हाथों से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधु कैटभ को मारने में भी इन्हीं माता का योगदान रहा है। माँ का भय उत्पन्न करने वाला यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी हैं, इसलिए कई जगह इन्हें शुभंकारी नाम से जाना जाता है। नाम से ही अभिव्यक्ति होता है कि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, यानी जिनके शरीर का रंग एकदम काला है, इनका रूप एकदम भयानक है, इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं, कालरात्रि काल से भी ये रक्षा करने वाली शक्ति हैं। इन देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड को के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। एक गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निर्भय और निडर रखता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभंकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। एक ग्रह बाधाओं को भी भयभीत करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शरीर और रात्रि के भय से भी दूर होते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, सभी देवता इससे चिंतित होकर भगवान शिव जी के शरण में गए और सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ ने रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो दैत्य के शरीर से निकले रक्त से सैकड़ों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का गला काटते हुए उनका वध कर दिया। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ और हल्दी है। माँ कालरात्रि को गुड़ और हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वो जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ का प्रिय पुष्प रातरानी है और माँ को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए सभी भक्त माता कालरात्रि की उपासना करें। जिस तरह माता रानी ने सभी देवी देवताओं की रक्षा की राक्षसों से, उसी प्रकार आप सभी भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करें। तो ये थी माता रानी की एक छोटी सी कथा। आइए माँ के मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।